but sometimes I'm glad that I've done this before. तो ऐसा नहीं होता कि मैं पहली बार कर रही हूँ, नॉस्टैल्जिक होता है, लेकिन मुझे शुरू में वो जो 10 सेकंड पहले बिफोर दे से गो वो जो एक नर्वसनेस आता है वो होता है हमेशा, वो गूज़बम्स हमेशा होते हैं, बट बहुत मज़ा आता है वंस यू ऑन द रैंप. इनफैक्ट पता नहीं चलता है कब वो वॉक ख़त्म हो गई. एंड या आई एम हैप्पी दैट आई हैव डन दिस बिफोर बिकॉज आई नो सम सर्टेन ट्रिक्स हाउ टू हैंडल सर्टेन आउटफिट्स लाइक दिस लॉन्ग ट्रेल दैट आई हैड. पता है यूजुअली ऐसा होता है कि डिज़ाइनर्स जो हैं वो ऑप्शंस लाते हैं जो उनको लगता है कि उनका शो स्टॉपर आउटफिट होना चाहिए. एंड द नाइस थिंग इज दैट अर्चना एक्चुअली जस्ट गॉट वन आउटफिट. शी डिडंट शो मी द रेस्ट एंड आई डिडंट हैव टू सी द रेस्ट बिकॉज आई वाज लाइक दिस इज इट. आई थिंक ये आउटफिट देखते ही मुझे सबसे पहले लगा था कि काफ़ी डिफरेंट तरह का लहंगा है एंड थैंकफुली डिफरेंट लहंगा है. और ये ज्वेलरी जो है ये काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी डेलिकेट है. जिली एज अ ब्रांड इज़ वेरी फेमिनिन, इज़ वेरी यूजफुल. तो जो आउटफिट है वो भी उसके साथ जाने वाला होना चाहिए एंड आई थिंक दिस वॉज द परफेक्ट आउटफिट. आई थिंक डायमंड एंड वाइट गो रियली वेल टुगेदर. आई थिंक शो स्टॉपर, जब मैं मॉडलिंग करती थी तब भी मुझे ये होता था कि मेरे को एक दिन मुझे शो स्टॉपर बनना है. सो आई थिंक वो हमेशा था मन में. सो नाउ इट्स रियली नाइस. यस, विशेस.